स्मार्ट सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नशा बारनवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा की ओर से ब्लॉक परिसर में बनाई गई मानव श्रृंखला, राज्य सरकार के क्रियाकलापों पर निकाला गया भड़ास, विरोध स्वरूप दिया गया धरना, बाद में राज्यपाल के नाम प्रखंड पदाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। गिरिडीह की बहू ने गिरिडीह का नाम किया रोशन, इंटरनेशनल टीवी क्विज शो में हुआ रंजीत कौर का चयन, स्टेट बैंक रोड में इनका परिवार इस उपलब्धि से है बेहद खुश। सरिया में बगैर आवास बने लाखों रुपए की हो गई सालों पहले निकासी, अब जाकर हुआ खुलासा, ग्रामीणों ने की प्रशासन से जांच की मांग। और रोटरी गिरिडीह व मुंगिया स्टील के सौजन्य से बड़ा चौक में बने डिवाइडर का गिरिडीह उपायुक्त ने किया उद्घाटन, प्रभारी महापौर समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति, तमाम लोगों ने की इस कार्य की सराहना। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदर प्रखंड परिसर में मानव श्रृंखला बनाई गई और राज्य सरकार के गलत फैसलों एवं गलत नीतियों के विरोध में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के बाद प्रखंड पदाधिकारी व अंचल अधिकारी को राज्यपाल के नाम एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदर प्रखंड परिसर में शनिवार को मानव श्रृंखला बनाई गई। इस माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के द्वारा राज्य सरकार के गलत फैसलों एवं गलत नीतियों के विरोध में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम भी किया गया। मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, हरमिंदर सिंह बग्घा, चुन्नूकांत, संदीप डंगैच, दिलीप वर्मा, विनय सिंह, कामेश्वर पासवान, संजीत सिंह पप्पू, मनोज संघई, एजाज अहमद सोनू, नवनीत सिंह, मुकेश जालान, जाकिर हुसैन खान, मोहम्मद इकबाल, रंजीत सिंह, रोशन सिंह, पीयूष सिन्हा, संदीप देव, राजेश गुप्ता, महिला मोर्चा की ओर से शालिनी बैसखियार, प्रोफेसर विनीता कुमारी, डॉली तिवारी, ज्योति शर्मा समेत कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के समापन के बाद प्रखंड पदाधिकारी व अंचल अधिकारी को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज गिरिडीह जिला में 3400 मंडल में यह मानव श्रृंखला कार्यक्रम आयोजित है वर्तमान जन विरोधी सरकार के खिलाफ, और ये सफल रहा। इसमें आम जन भी सहयोग लिए, कार्य चाहते भी तो कंप्यूटर ऑपरेटर उसको टर्न अप नहीं करते कार्ड निर्माण करने में, क्योंकि ऑफिसर को पता ही नहीं कि कैसे उसका एक्सेप्ट करके कंप्यूटर से किया जाएगा। लेकिन इस व्यवस्था जो है पूरे जिले में पूरे ब्लॉक में व्याप्त है। आज हेमंत सोरेन सरकार को कहना चाहते हैं, उनके जनप्रतिनिधि को कहना चाहते हैं, गिरिडीह के वर्तमान प्रतिनिधि को, कि यह राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया गरीबों से क्यों लिया जा रहा है, या तो अगर नहीं लिया जा रहा है तो महीनों चक्कर क्यों काटना पड़ रहा है, क्या राशन आप दे रहे हैं, राशन केंद्र सरकार दे रही है, फिर राशन कार्ड बनाने में इतना विलंब क्यों। ये छोटी सी उदाहरण है। आज ट्रैक्टर के लोग सब बेरोजगार है, बालू लाने जाता है तो उसको पुलिस रगड़ती है, उसको SDPO रगड़ती है, इसको थाना वाला पैसा मांगता है। वीडियो थे, आज DSO बन के बैठे हुए, यही का पोस्टिंग हुआ, फिर बड़े अधिकारी को यहाँ डिमोशन, ये परंपरा तो खुलेआम है। इसलिए ये सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग खोल के रखी है, ना कि जनता के विकास का। ये जन विरोधी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जमीन से लेकर राज्य तक आंदोलन करने के लिए तैयार है और इसका एक उदाहरण है, और आने वाला समय में व्यापक विरोध करके सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। इसका ये जो आपने देखा हमारा विरोध प्रदर्शन था, मानव श्रृंखला बना के हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया है। आज तो हम मुट्ठी भर कार्यकर्ता थे, कल को अगर यह निद्रा में विलीन सरकार, हेमंत सोरेन की अत्याचारी सरकार, वसूली वाली सरकार नहीं जागती है और सही रास्ते पे नहीं आती है, तो आज जो यह मुट्ठी भर भारतीय जनता पार्टी के बच्चियों पर लाठियां बरसाती है, जब कोरोना काल में हमारे हमारी पूरी जनता, हम सभी आस से सरकार की ओर देखते हैं कि कुछ मदद मिलेगा, तो सरकार हमें यह दमनकारी हेमंत सोरेन की सरकार क्या देती है, कफन देती है। तो ऐसी सरकार का कि हम भर्त्सना करते हैं, इसका विरोध करते हैं, और अगर यह सरकार सही रास्ते पे नहीं आएगी तो आज यह हमारी छोटी सी चेतावनी है, कल को और बड़े रूप में हम आएंगे और इस सरकार को वापस जाना होगा और राष्ट्रवाद की सरकार वापस यहाँ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की अमन चैन वाली सरकार, प्रगति वाली सरकार वापस स्थापित होगी।
बड़ा चौक से गांधी चौक तक निर्मित डिवाइडर का उद्घाटन शनिवार को गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा व नगर निगम के प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ के कर कमलों से संपन्न करवाया गया। बताया गया कि यह डिवाइडर रोटरी गिरिडीह एवं मोंगिया स्टील के संयुक्त तत्वाधान से बनाया गया है। रोटरी गिरिडीह द्वारा बड़ा चौक से गांधी चौक तक निर्मित डिवाइडर का उद्घाटन शनिवार देर शाम किया गया। यहां गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा एवं गिरिडीह नगर निगम के प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ के कर कमलों से उद्घाटन संपन्न करवाया गया। बताया गया कि यह डिवाइडर रोटरी गिरिडीह एवं मुंगिया स्टील के संयुक्त तत्वाधान में बनाया गया है। बताया गया कि गिरिडीह प्रशासन के द्वारा रोटरी गिरिडीह को बड़ा चौक गांधी चौक के सड़क के सौंदर्यीकरण का जिम्मा दिया गया था, इसी के अंतर्गत इस डिवाइडर का निर्माण किया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, सचिव अभिषेक, उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, त्रिलोचन मोंगिया, शिव प्रकाश बगड़िया, मयंक रजगड़िया, अमित गुप्ता, मीडिया प्रभारी पीयूष मुसद्दी, विजय सिंह, प्रदीप डालमिया, सारंग केडिया, देवेंद्र सिंह, प्रशांत बगड़िया, विकास बसईवाला, संतोष गोयंका आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रोटरी क्लब तथा मुंगिया स्टील फाउंडेशन के द्वारा गांधी चौक से लेकर बड़ा चौक तक के बीच में स्ट्रीट लाइट्स लगाने का कार्य किया गया है तथा डिवाइडर्स के सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। इससे शहर के खूबसूरती में चार चांद लगे हैं। हम सभी लोगों का यह संयुक्त प्रयास होना चाहिए कि अपने गिरिडीह शहरी क्षेत्र को और ज़्यादा साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाएँ, और इसके लिए मैं रोटरी क्लब के सभी सदस्यों को, मुंगिया स्टील फाउंडेशन के अध्यक्ष गुणवंत जी मोंगिया, सभी लोगों को इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार से शहर के सौंदर्यकरण का कार्य नियमित रूप से जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे शहर के लिए खुशी की बात है कि उपायुक्त महोदय ने और इसके साथ हमारे चीफ गेस्ट आज नहीं पहुँच पाए, विधायक जी, हम लोग चाह रहे थे कि उनके हाथों से हमारा इसका शुभारम्भ होता, लेकिन फिर भी आज उपायुक्त महोदय ने इसका शुभारंभ किया है, इनोग्रेशन किया है। और ये जो डिवाइडर अभी बना आप देख रहे हैं और इसमें जो रोशनी लब देख रहे हैं, ये रोटरी क्लब और मोंगिया स्टील के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है, जिसके लिए कि हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे कि एक साफ सफाई के साथ और अच्छा काम हो सके। मेरा हमेशा ये ध्यान रहता है कि कोई भी काम हो, अगर उसमें मोंगिया कहीं पर भी है तो अपने स्टैंडर्ड से कमज़ोर काम नहीं हो, और इतना लुक आना चाहिए, कोई भी चीज़ की इतनी क्वालिटी नज़र आनी चाहिए, क्योंकि उसमें मोंगिया स्टील कोई भी काम करा तो मोंगिया स्टील की क्वालिटी जितनी अच्छी है उससे कमज़ोर काम कहीं नज़र नहीं आना चाहिए। इसी वजह से हमने इसका पूरा ध्यान रखते हुए, अपने सारे डायरेक्शन देते हुए, अपने सारे तरह से जिस तरह से मुझे अच्छा लगा हमने उसको समझा करके और उस प्रकार इसको अच्छे से सज्जित किया है। रंग पेंट वगैरह करवा के खर्च कुछ ज़्यादा भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन काम जब भी हो एक अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, और शहर में कोई भी चीज़ नज़र आए तो इतनी सुंदर होनी चाहिए कि आम लोगों को वो पसंद आए। कोई भी काम इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि किसी भी तरह से कर दिया गया हो, ये कोई सरकारी काम तो है नहीं कि हम लोग उसको सिर्फ टेंडर या रुपए के अंदर में करना है, हमारा तो ज़्यादा भी खर्च हो जाएगा तो हमें उसकी चिंता नहीं रहती। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई भी काम सुंदर हो, अच्छा हो, और उसी लगन में हम लोगों ने शहर में एक अच्छा डिवाइडर बनवा के दिया है, जिसमें मोंगिया स्टील और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। मैं आप सभी रोटरी क्लब वालों को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया इसको अच्छे सुंदर बनाने में, परमिशन वगैरह से लेकर के जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी सबने मिल के, और हमने सारा इसका जो सारा रूपरेखा तय की है इसमें सारे रोटरी क्लब में बैठ के हम लोगों ने सारी इसकी सलाह की और बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट मिला है। और शहर अगर सुंदर होता है तो हमें बहुत खुशी इसलिए होती है कि हम भी तो इसी शहर के निवासी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर के शास्त्री नगर रोड भंडारीडीह में शनिवार को अमूल कॉर्नर का भव्य उद्घाटन उद्योगपति गुणवंत सिंह मोंगिया व चरणजीत सिंह सलूजा के हाथों करवाया गया। इस दौरान प्रतिष्ठान संचालक ने बताया कि अमूल जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड के तमाम तरह के उत्पाद इस प्रतिष्ठान में उपलब्ध रहेंगे। भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2022 निर्धारित किए जाने के संबंध में सिविल सर्जन SP मिश्रा ने सदर अस्पताल कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान CS ने फाइलेरिया के रोकथाम हेतु चलाए जाने वाले योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। सिविल सर्जन SP मिश्रा ने शनिवार को सदर अस्पताल कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2022 निर्धारित है। राज्य में कुल 11 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में MDA कार्यक्रम मनाया जाना है।
फाइलेरिया के रोकथाम हेतु 23 अगस्त से 27 अगस्त तक अभियान चलाकर आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और डोर टू डोर जाकर सहिया, सेविका एवं पोषण सखी के द्वारा एल्बेंडाजोल की एकल खुराक दिलाई जाएगी। 23 अगस्त से 25 अगस्त तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में दवा की खुराक दी जाएगी। वहीं 26 अगस्त से 27 अगस्त तक डोर टू डोर जाकर लोगों को खुराक दी जाएगी। बताया गया कि जिले के कुल 2619 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से कुल 5248 दवा प्रशासक दवा सेवन करवाने का कार्य करेंगे। इसके लिए प्रखंड स्तर पर 509 पर्यवेक्षक एवं जिला स्तर से 7 पर्यवेक्षक कार्यक्रम का अनुश्रवण करेंगे। जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर RRT टीम का गठन भी किया गया है। मौके पर DMO डॉक्टर सत्यार्थी हेमरम, PCI मुकेश कुमार मंडल, मुकेश कुमार मौजूद थे। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में आप सभी पत्रकारों का स्वागत है और ये भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2022 निर्धारित है। पिछले साल वर्ष कुछ कोविड के चलते कुछ कार्यक्रम प्रभावित हुआ, लेकिन इस वर्ष हम लोगों का लक्ष्य है कि हमें जो लक्ष्य मिला है हम उतने लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलवा दें। राज्य में कुल 11 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। फाइलेरिया के रोकथाम हेतु ये MGA कार्यक्रम इस वर्ष 23 अगस्त से 27 अगस्त 2021 तक गिरिडीह जिला अंतर्गत चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत लक्षित जन समूह को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को दवा का सेवन नहीं करना है। दवा का सेवन खाली पेट भी नहीं करना है। जिला के कुल 25,19,014 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 23 अगस्त से 25 अगस्त तक 3 दिनों तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र पर दवा DEC एवं एल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई जाएगी। शेष बचे हुए व्यक्तियों को 26 अगस्त से 27 अगस्त तक दवा प्रशासक, जिसमें सहिया है, सेविका है, पोषण सखी के द्वारा घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। जिले में कुल 2619 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कुल 5248 दवा प्रशासक दवा सेवन करवाने हेतु कार्य करेंगे। दवा का सेवन बिल्कुल कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कराया जाएगा। प्रखंड स्तर पर एवं जिला स्तर से कार्यक्रम का प्रवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर 509 पर्यवेक्षक एवं जिला स्तर से 7 पर्यवेक्षक कार्यक्रम का अनुश्रवण करेंगे। जिला एवं प्रखंड स्तर पर भी एक RRT टीम का गठन किया गया है, जो पूरे जिले और सभी प्रखंडों में आवश्यकता अनुसार कार्य करेंगे। शेष कार्यक्रम आपके पास है, इसकी सूची आपको दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर निगम के सिटी मैनेजर द्वारा कोताही बरतने की शिकायत लिए कई वार्ड पार्षद DC ऑफिस पहुंचे और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि सिटी मैनेजर के द्वारा समय पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट नगर विकास विभाग रांची नहीं भेजे जाने के कारण जरूरतमंद लाभुकों का आवास योजना अधर में लटक गया है, जिसकी जाँच आवश्यक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर निगम के सिटी मैनेजर द्वारा कोताही बरतने की शिकायत कई वार्ड पार्षदों ने उपायुक्त से की है। पार्षदों का एक शिष्टमंडल शनिवार को DC ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बताया गया कि सिटी मैनेजर के द्वारा समय पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट नगर विकास विभाग रांची नहीं भेजे जाने के कारण गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के 4000 जरूरतमंद लाभुकों का आवास योजना अधर में लटका है। वार्ड पार्षद के शिष्टमंडल ने आवेदन देकर उपायुक्त से जांच कर छूटे हुए जरूरतमंदों को आवास दिलाए जाने की मांग भी की है। मौके पर वार्ड पार्षद सुमित कुमार, अशोक राम, अजय रजक, पार्षद प्रतिनिधि सोनू चौरसिया, मथुन चंद्रवंशी, निरंजन राय आदि लोग मौजूद रहे। आज हम लोगों ने पार्षदों का एक शिष्टमंडल माननीय उपायुक्त महोदय से मिलकर नगर निगम में आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में सिटी मैनेजर द्वारा जो कोताही बरता गया है, जो समय इन लोग के द्वारा लिस्ट नहीं भेजा गया नगर विकास विभाग रांची, जिसमें कि गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के 36 वार्ड के लगभग 4000 लाभुकों का आवास योजना अधर में लटक गया है और कब होगा नहीं होगा इसका कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा है। इन सब मामलों को लेकर और एक और जनहित के मुद्दों को लेकर, जैसे पानी की समस्या को लेकर, हम लोगों ने माननीय उपायुक्त महोदय से मुलाकात किया
उपायुक्त महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि हम नगर विकास विभाग में बात करके जल्द से जल्द इस योजना जो 4000 जो आवास का योजना है जो अधर में लटक गया है उसको धरातल पर उतरवाने का प्रयास करेंगे। हम लोग के द्वारा माननीय उपायुक्त महोदय को हम लोग धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उपायुक्त महोदय और अभी हम लोग उप नगर आयुक्त महोदय से भी इस मामले में बात की है, उनका भी प्रयास है और यह काफ़ी सराहनीय है कि उप नगर आयुक्त द्वारा भी बोला गया कि हम लोग बहुत जल्द इस योजना को नगर विकास विभाग से अप्रूवल दिलवा कर यहाँ उतारेंगे जल्द। आज हम लोगों ने पार्षदों का एक शिष्टमंडल माननीय उपायुक्त महोदय से मिलकर नगर निगम में आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में सिटी मैनेजर द्वारा जो कोताही बरता गया है, जो समय इन लोग के द्वारा लिस्ट नहीं भेजा गया नगर विकास विभाग रांची, जिसमें कि गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के 36 वार्ड के लगभग 4000 लाभुकों का आवास योजना अधर में लटक गया है और कब होगा नहीं होगा इसका कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा है। इन सब मामलों को लेकर और एक और जनहित के मुद्दों को लेकर जैसे पानी की समस्या को लेकर हम लोगों ने माननीय उपायुक्त महोदय से मुलाकात किया। उपायुक्त महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि हम नगर विकास विभाग में बात करके जल्द से जल्द इस योजना जो 4000 जो आवास का योजना है जो अधर में लटक गया है उसको धरातल पर उतरवाने का प्रयास करेंगे। हम लोग के द्वारा माननीय उपायुक्त महोदय को हम लोग धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उपायुक्त महोदय और अभी हम लोग उप नगर आयुक्त महोदय से भी इस मामले में बात की है, उनका भी प्रयास है और यह काफ़ी सराहनीय है कि उप नगर आयुक्त द्वारा भी बोला गया कि हम लोग बहुत जल्द इस योजना को नगर विकास विभाग से अप्रूवल दिलवा कर यहाँ उतारेंगे जल्द। मकतपुर स्टेट बैंक रोड निवासी कुंवरजीत सिंह दुआ की बहू रंजीत कौर का चयन विश्व प्रसिद्ध टीवी क्विज शो आओ बनाए गुरु सिख प्यारा के हॉट सीट के लिए हुआ है। इनके इस उपलब्धि से पूरा परिवार बेहद खुश है। बताया गया कि कौन बनेगा करोड़पति शो की तर्ज पर इस शो का प्रसारण होता है। मकतपुर स्टेट बैंक रोड निवासी कुंवरजीत सिंह दुआ के पुत्र वधु रंजीत कौर का चयन इंटरनेशनल टीवी क्विज शो में हुआ है। शनिवार को परिवार के लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की। बताया गया कि रविवार को 110 देशों में एक साथ इनका कार्यक्रम दिखेगा। बताया गया कि आओ बनिए गुरु सिख प्यारा टीवी क्विज शो में रविवार सुबह 10:30 बजे चढ़दी कला टाइम टीवी पर प्रसारित होने वाला है। इस विश्व प्रसिद्ध क्विज शो की हॉट सीट के लिए रंजीत कौर का चयन हुआ है। बताया गया कि इसके लिए 3 अलग अलग चरणों में इंटरव्यू व परीक्षा देकर रंजीत कौर हॉट सीट तक पहुंची है, जो सिखों के इतिहास, सिखों की उपलब्धियां, गुरुवाणी की जानकारी से जुड़ी हुई है। कौन बनेगा करोड़पति शो की तर्ज पर इस शो का प्रसारण होना है। बताया गया कि फिलहाल रंजीत कौर अपने पति सरदार भवदीप सिंह के साथ यूके में रहती हैं। रंजीत कौर का जन्म बिहार के गया जिले में हुआ है। वो गिरिडीह की बहू है और वर्तमान में यूके में है। बताते चले कि गुरमत ज्ञान सेवा सोसाइटी रांची के द्वारा जूम मीटिंग के जरिए तैयारी कर रंजीत कौर इस बड़े स्टेज तक पहुंची हैं। गिरिडीह में इनके साथ ससुर समेत पूरा परिवार इनकी उपलब्धि से बेहद खुश है। शादी इसकी 2 अक्टूबर हुई थी और ये शुरू से ही ये पूरा परिवार गुरु सिख मतलब गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ है, इसलिए कि इसे ये चीज़ बचपन से ही मिली है तो हमें खुशी होती है कि आज बच्चे आप अपना ये दिखा के हुनर अपना फील्ड में नाम कमा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, बस और क्या बोलूँ इसके बारे में। ये अब वैसे तो ये रहने वाली गया की है, ये शुरू से ही इस मतलब इनका पूरा परिवार गुरु सिख परिवार बना हुआ है, मतलब गुरुद्वारे के प्रति इनका बहुत झुकाव है और ये हमेशा सबक पढ़ना आगे ये सब पाठ करना हर एक चीज़ में आगे ही रहेगी और हर कंपटीशन में ये भाग लेने के लिए हमेशा मतलब उस मतलब अपने आप को हमेशा मतलब ये करती है कि मैं करूँ जीतूँ चाहे ना जीतूँ पर मैं आगे करूँ। तो हमें भी जब यहाँ आए तो हम भी उसे गुरुद्वारा अपने शादी के बाद हमने भी गुरुद्वारा उसको प्रोग्राम किया, उसने हर चीज़ में जो भी पार्टिसिपेट हो कार्यक्रम होता था उसमें ये पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन आज हमें खुशी है कि उस बच्ची ने अपना कभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आज यहाँ तक पहुँची
बहुत बहुत हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात का कि उस लड़की ने अपना नाम कमाया। एट प्रेजेंट अभी वो यूके में है। 22 अगस्त 10:30 बजे सुबह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बुढ़िया खाद निवासी आदिल हुसैन और उसकी पत्नी मोटरसाइकिल से धनबाद से वापस लौटने के क्रम में सड़क हादसे का शिकार हो गए। बताया गया कि एक चार पहिया वाहन ने पीछे से इनकी मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी, जिससे ये घायल हो गए। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बुढ़िया खाद के रहने वाले आदिल हुसैन और उनकी पत्नी सड़क हादसे में घायल हो गए। शनिवार को दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। बताया गया कि आदिल हुसैन व उनकी पत्नी खुशबू परवीन मोटरसाइकिल से धनबाद गए हुए थे। धनबाद से लौटने के क्रम में रास्ते में पीछे से आ रहे एक चारपहिया वाहन ने इनकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी, जिसमें दोनों सड़क पर गिरकर जख्मी हो गए। जख्मी हालत में इन्होंने अपने घर वालों को फोन पर इसकी सूचना दी। बाद में इनके घर वालों ने धक्का मारकर भाग रहे वाहन को बरवाड़ी के पास पकड़ लिया। बाद में इन दोनों को भी बरवाड़ी लाया गया, जहां से भाग रहे वाहन के चालक को नगर थाना ले जाया गया, जिसके बाद नगर पुलिस ने इन दोनों को घायल अवस्था में देखते हुए इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। तो गाड़ी पकड़ा है, गाड़ी अभी नगर थाना में है। हमारे भाई लोग गाड़ी पकड़वा लिए थे बरवाड़ी में, चेक लिए थे बरवाड़ी में। बरवाड़ी में जब भाई लोग ने गया तो बरवाड़ी में वो गाड़ी वाला सबके सबको धक्का से मारते हुए निकलने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग पीछा करते हुए गाड़ी को पकड़ लिए। गाड़ी अभी नगर थाना में। चतरु सरून रोड पर सुखलजोरिया के पास एक टेम्पो मवेशी से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे टेम्पो सवार चकाई के कर्माटार निवासी भोला यादव की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। चकाई के कर्माटार के भोला यादव की मौत सुखलजोरिया के पास सड़क हादसे में हो गई। शनिवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि भोला यादव अपनी बेटी के घर जा रहे थे, इसी क्रम में चतरु सरून रोड पर सुखलजोरिया के पास सड़क हादसे का शिकार हो गए। बताया गया कि ये घर से एक टेम्पो रिजर्व कर बेटी के घर जा रहे थे, तभी टेम्पो एक मवेशी से टकरा कर पलट गया। घटना में मौके पर ही इनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। ये कौन लगता है आपके? मौसा। क्या नाम है? भोली यादव। कहाँ घर है? थाना। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया, आ रहा था अपना बेटी के यहाँ से, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे हुआ ये? लिलैया और सुखलजोरिया का बीच में है रोड पे। कब हुआ था? कल 11:30 बजे लगभग हम लोग को 3-4 बजे पता चला। हम लोग वहाँ गए तब देवरी थाना में लाश हम लोग को। तो ये के अपने बेटी के यहाँ गए हुए थे? हाँ। कौन सा गाड़ी वाला मारा है? गाड़ी वाला नहीं मारा, टेम्पो पे आ रहा था, उधर से जानवर आ गया, गाय भैंस गाय थे उधर, भीड़ से आया दौड़ते हुए, इसके बाद टेम्पो में जाके उसका सीन अटक गया, गाड़ी का एम्बुलेंस हो गया, इसके बाद गाड़ी पे तो वहीं एक्सपोर्ट डेट हो गया कि एक्सपोर्ट डेट हो गया। वो तो हम लोग देखे नहीं, बाकी हम लोग थाना गए तो हम लोग को पता चला। केवाराडीह के सुरेंद्र यादव की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई है। बताया गया कि हाथ पैर में दर्द के कारण सुरेंद्र को सिरसे स्थित शशिभूषण प्रसाद के क्लिनिक में लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन चिकित्सक ने परिजनों को गफलत में रखा और मौत की सूचना देने के बजाय इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जमुआ थाना क्षेत्र के बाराडीह के सुरेंद्र यादव की मौत सिरसिया के एक नर्सिंग क्लिनिक में संदेहास्पद परिस्थिति में शनिवार को हो गई। हालांकि क्लिनिक में चिकित्सक ने सुरेंद्र यादव को मृत घोषित नहीं किया और सदर अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन सदर अस्पताल में आने के बाद यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि महज हाथ पैर में दर्द के कारण सुरेंद्र को सरसिया स्थित शशिभूषण प्रसाद के क्लिनिक में ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान ही सुरेंद्र की मौत हो गई, लेकिन डॉक्टर ने वहां से इसे सदर अस्पताल भेज दिया। यहां पहुंचते ही चिकित्सक ने सुरेंद्र के मौत हो जाने की सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बताया गया कि डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद ने इन्हें गफलत में रखा था।
कहाँ भर्ती किया था? कहाँ पे? कब कब भर्ती किए थे? हॉस्टल में? हाँ, फिर कब भर्ती किए थे? आज सुबह। आज सुबह तो इलाज चल रहा था, फिर वहाँ से यहाँ कैसे भेज दिया, रेफर किया? कौन है आपके? बागोदर पेट्रोल पंप के पास ट्रेलर व ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे फरुखाबाद के रहने वाले ट्रक के खलासी हरदीप सिंह की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में लिया। वहीं मृतक के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बागोदर पेट्रोल पंप के पास ट्रेलर व ट्रक की टक्कर में फरुखाबाद के रहने वाले ट्रक के खलासी हरदीप सिंह की मौत हो गई। शनिवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि हरदीप सिंह फरुखाबाद थाना मेरापुर का रहने वाला है। वह कोलकाता से दिल्ली के लिए जा रहा था। इसी दौरान बागोदर के पास एक ट्रेलर ने अचानक पेट्रोल पंप की ओर मोड़ दिया, जिससे ट्रक और ट्रेलर में टक्कर हो गई। टक्कर में खलासी की मौत हो गई। बाद में आसपास के लोग इकट्ठा हुए और दोनों वाहन को पुलिस को सूचना देकर थाने भिजवा दिया। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। ये कौन लगते थे आपके? क्या हुआ था? कहाँ पे? तो वहीं पे एक्सपोर्ट डेट होगी या कहीं हॉस्पिटल ले जाते समय हो गया। कब हुई घटना? रात को 5 बजे सुबह से। कल रात को? आज सुबह। कहाँ का रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश कन्नौज डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद। फरुखाबाद का? उनके घर वाले को खबर दे दिया? सरिया के खूटा गांव से बिना आवास बने लाखों रुपए की निकासी कई साल पहले ही कर ली गई है, लेकिन मामले का खुलासा अब हुआ है। लोगों ने मुखिया और रोजगार सेवक पर पैसे लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का आरोप लगाया है। इस बाबत ग्रामीणों ने इस मामले की जांच की भी मांग की है। सरिया प्रखंड के खूटा गांव निवासी रेमचंद महतो के परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया था, लेकिन लाभुक ने बयान दिया कि इन्हें कोई आवास का लाभ नहीं मिला है। यह मामला तब उजागर हुआ जब लाभुक नेमचंद महतो मुखिया तथा रोजगार सेवक के पास गए और अपने आवास, अपने आर्थिक दयनीय स्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराया तथा आवास प्लस में अपना नाम जोड़ने के लिए फरियाद की, लेकिन रोजगार सेवक ने कहा कि आपको आवास 2016-17 में ही आवंटित कर दिया गया है, लेकिन लाभुक का आवास मिला ही नहीं और रोजगार सेवक उसे 1,30,000 रुपये की निकासी का डाटा भी दिखा गया। डाटा देख यह आश्चर्यचकित हुए तथा मुखिया से पूछा कि इनके नाम से किसने योजना का लाभ लिया, लेकिन आज तक मुखिया ने इस मामले को स्पष्ट नहीं किया। बता दें कि इसी पंचायत में कई ऐसे मामले मिले जिन्हें आवास की जरूरत थी, उन्हें आवास मिला ही नहीं। पूरन महतो और कई ग्रामीणों ने बयान दिया कि मुखिया और पंचायत सेवक स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हम वैसे लोग को आवास देंगे जो मुझे 5,000 से 15,000 तक दक्षिणा के रूप में देगा। कई ग्रामीण इनके दक्षिणा से पीड़ित हैं और ग्रामीणों में इसको लेकर आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा कि नेमचंद महतो आवास का मामला और दक्षिणा मामले की यदि जांच नहीं की जाएगी तो सभी मिलकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना देंगे। जब ही नहीं निकाली है पैसा, इसका नाम से जब कॉलोनी आया है तो फिर ले लिया है, तो फिर इसको मतलब कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं आया है तो इसको दीजिए, जब इसका नाम से आया है तो दीजिए। तो ये जो है इनके बारे में बताया जा रहा है कि कागजी रूप से बन चुका है, कॉलोनी बन चुका है, कम्प्लीट नहीं बनाई है ना, नहीं बनाई, नहीं बनाई है, क्योंकि खुद से बना के खड़ा की है ना, सरकार दोबारा नहीं ना बनल है। क्या नाम हुआ आपका? माला देवी। पंचायत? बनखारो। पंचायत सेवक है? अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? हमारा सौतरी। ग्राम? ग्राम खुपता। पंचायत? पंचायत बनखारो। अच्छा, नेमचंद महतो के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? ना हम बता सकते हैं, कुछ नहीं जानते। ये आवास बनाया नहीं बनाया? ना कॉलोनी ना बने लेते। कॉलोनी नहीं बनाया ना? ना। इनका पैसा निकल गया है लेकिन ये बनाया नहीं है? ना नहीं ना ना। ठीक है,
दे देना 5,000 रुपया। कहिए जब हमारा घर बन जाएगा तब देंगे 5,000 रुपया। बोला नहीं पहले ले लेंगे। तो बोला अच्छा ठीक है, जब इतना जोर जबरदस्ती कर दे तब फिर जब नहीं ठीक करने लगा तो बोला कुल नहीं कॉलोनी बनाएगा जल्दी तो पैसा वापस चला जाएगा। हाँ तो वही घर कौन बोला, घर में रहता था ये कौन बोला, वही की कालीन छोड़ा ना मोहन ने, मोहन ने बोला। वो मुखिया है क्या? नहीं मुखिया नहीं, जैसे वो मुखिया को सौंप दिया है उसको कि ये चीज ये चीज करने का। अच्छा अच्छा। हाँ तो अब जाने उसे अब पैसा मुखिया जी लिया ने कौन लिया नहीं लिया हमको क्या मालूम। तो आपने 5,000 रुपये दिया? दिया तो ले लिया। लेने के बाद में जब थोड़ा तनी घर देरी हो गया, जब जो घर में रहते थे वो घर के दौरा दौरी तोड़ ताड़ के एंद बंद करके बनाने लगा तो बोलता है लेट हो गया पैसा नहीं आएगा। कहिए नहीं अगर जाने तो इसी तरह हम रहेंगे झोपड़ी बना के, लेकिन जो भी करना है तो करो। बोल नहीं आपस चला जाएगा पैसा। कहिए ठीक है आपस कर। यानी आपने 5,000 दिया? हाँ। अच्छा ये बताइए एक मामला और आया है नेमचंद महतो का, आपके पड़ोसी हैं। हाँ। तो इनका जो है सो 1,30,000 निकल चुका है, और ये घर बनाया या ना बनाया उसके बारे में? नहीं ये घर तो अपना से कमा के बनाया है सर। अपने से बनाया? हाँ अपना से। पैसा ये जानबो नहीं करता कि हमारा कॉलोनी आया नहीं आया। जब घर इसका तैयारी हो गया तब जैसे इधर उधर से जब होने लगा तब पता चला इसको, बोलने तुम्हारा कॉलोनी आया था। हैं तो फिर कॉलोनी का पैसा बहुत यहाँ करा चार्ज करने लगा, बोला तुमको पैसा आया? बोला कि नहीं हमको पैसा नहीं मिला हाथ में। तब जो है सब दूसरा को पैसा जो है मिल गया, दूसरा का कॉलोनी बन गया। बस क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या चाहते हैं? चाहते हैं यही कि वो चीज बनना चाहिए उसका घर, और क्या क्या बोलेंगे उसको। नहीं तो पैसा वापस कीजिएगा, पैसा वापस कीजिएगा तो पैसा तो कोई कामयानी आएगा नहीं, तो उसका पैसा से घर भी बना दीजिएगा, वही अच्छा होगा जो लिया होगा वो। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा की ओर से ब्लॉक परिसर में बनाई गई मानव श्रृंखला, राज्य सरकार के क्रियाकलापों पर निकाला गया भड़ास, विरोध स्वरूप दिया गया धरना, बाद में राज्यपाल के नाम प्रखंड पदाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। गिरिडीह की बहू ने गिरिडीह का नाम किया रोशन, इंटरनेशनल टीवी क्विज शो में हुआ रंजीत कौर का चयन, स्टेट बैंक रोड में इनका परिवार इस उपलब्धि से है बेहद खुश। सरिया में बगैर आवास बने लाखों रुपए की हो गई सालों पहले निकासी, अब जाकर हुआ खुलासा, ग्रामीणों ने की प्रशासन से जांच की मांग। और रोटरी गिरिडीह व मुंगिया स्टील के सौजन्य से बड़ा चौक में बने डिवाइडर का गिरिडीह उपायुक्त ने किया उद्घाटन, प्रभारी महापौर समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति, तमाम लोगों ने की इस कार्य की सराहना। तो दर्शकों ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।